Hello everyone, my name is Disha Chaturvedi and here I am again with a new topic International Human Resource Management। ये IHRM का Part 1 है और इस सेशन के बाद you will be able to understand the meaning of IHRM, definition and concept of IHRM, difference between domestic HRM and IHRM and importance of IHRM। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ IHRM की। HRM क्या है? मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एट वर्कप्लेस, यानी कि किसी कंपनी में जॉब करने वाले लोगों को मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अब इन्हीं जॉब करने वाले लोगों को, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको, वर्कफोर्स हैं उनको एक देश में मैनेज ना करते हुए कई देशों में मैनेज करना और एक देश के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को मैनेज ना करते हुए कई देशों के, यानी कि अलग अलग नेशनलिस्ट को जो कि आपकी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं उनको मैनेज करना ही इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। It involves the worldwide management of people, not just the management of expatriates। तो definition की शुरुआत में बताया है कि जो IHRM है वो एक process है जिसे multinational companies, जिनका कि business subsidiaries एक दो देश में ना होकर कई देशों में होता है, अपने employees को manage करने के लिए करती हैं। अब ये employees जो हैं वो all over the world कहीं के भी हो सकते हैं। Definition के last में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि IHRM जो है उसका मतलब वर्ल्ड लेवल पर एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट करना है। इसका मतलब सिर्फ एक्सपेट्रिएट्स का मैनेजमेंट करना नहीं है। अब ये एक्सपेट्रिएट क्या होता है? एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है प्रवासी, दूसरे देश में रहने वाला, अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। जब कोई एम्प्लॉय अपने देश, यानी जहाँ की उसकी सिटीजनशिप होती है, उससे बाहर जाकर किसी दूसरे देश में जॉब करता है तो एक्सपेट्रिएट या फिर आम बोलचाल की भाषा में एक्सपेट कहलाता है। किसी एमएनसी में जब कोई वैकेंसी किसी ऐसे एम्प्लॉय के द्वारा फिल की जाती है जो दूसरे देश से आया हो तो वो एक्सपेट्रिएट है। एमएनसी अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने कहीं के भी एम्प्लॉयज़ को, किसी भी रीज़न के एम्प्लॉय को अलग अलग प्रोजेक्ट पर अलग अलग सब्सिडरीज में भेजती रहती है। जब कोई एम्प्लॉय अपने देश की बजाय किसी दूसरे देश में जॉब परफॉर्म करने टेम्परेरी बेसिस पर जाता है तो उसे एक्सपेट्रिएट कहते हैं और इन एक्सपेट्रिएट्स को मैनेज करना एक्सपेट्रिएट मैनेजमेंट कहलाता है, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हमें समझ में आया कि किसी एमएनसी की अलग अलग सभी सब्सिडरीज में लोकल एम्प्लॉय, यानी कि उस सब्सिडरीज के नेशनलिस्ट, प्लस एक्सपेट्रिएट जो कि बाहर के देशों से आए हुए हैं, उन दोनों को मिलाकर, उन सभी सब्सिडरीज में इन दोनों टाइप के एम्प्लॉयज़ को मिलाकर उन सबको ओवरऑल मैनेज करना ही इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो अभी तक हमने IHRM की मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। अब बात करते हैं डोमेस्टिक HRM एंड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच डिफरेंस की। जो डोमेस्टिक HRM होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, जबकि IHRM का यूज़ दो या दो से अधिक देशों में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए होता है। डोमेस्टिक एचआरएम में जो भी एचआर एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो केवल अपनी कंट्री की बाउंड्रीज तक सीमित होती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है या पतंजलि है जिसका बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही लोकेटेड है, इंडिया में ही सर्कुलेटेड है। जबकि जो IHRM होता है उसकी एक्टिविटीज़, ह्यूमन रिसोर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने देश से बाहर निकलकर अलग अलग सब्सिडरीज में भी होती हैं, वर्ल्ड लेवल पर होती हैं। जैसे कि इंडिया की कंपनी है TCS, जिसकी सब्सिडरीज कम से कम 46 कंट्रीज़ में चल रही हैं। इंफोसिस, जो काफ़ी कंट्रीज़ में इसके भी ऑफिसेज हैं। तो जो डोमेस्टिक HRM है उसमें सिर्फ एक देश के, यानी कि सिर्फ अपने जो अपना नेशन है उसी के एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जाता है, जबकि IHRM में कई देशों के, अलग अलग देशों के एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जाता है। डोमेस्टिक एचआरएम है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि आईएचआरएम डोमेस्टिक एचआरएम की तुलना में ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड ज़्यादा चैलेंजिंग है। डोमेस्टिक एचआरएम में एचआर मैनेजर सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक जैसी पॉलिसीज़ पर ही वर्क करते हैं, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ एक ही नेशनैलिटी के होते हैं, जबकि आईएचआरएम में डिफरेंट कंट्रीज के एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनके इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए एचआर मैनेजर को अलग अलग सिस्टम पर, अलग अलग एचआरएम सिस्टम पर वर्क करना होता है। डोमेस्टिक एचआरएम में आईएचआरएम की तुलना में एक्सटर्नल फैक्टर्स पर कम ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर कम होता है, जबकि डोमेस्टिक एचआरएम की तुलना में एक्सटर्नल फैक्टर्स आईएचआरएम को काफ़ी प्रभावित करते हैं, जैसे किसी देश का कल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम एटसेट्रा। अब डोमेस्टिक एचआरएम जो है वो आईएचआरएम की तुलना में कम रिस्की होता है, क्योंकि उसमें एक्सपोजर उसकी तुलना में कम है, जबकि आईएचआरएम में अलग अलग एनवायरनमेंट में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है, ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जिन्हें फेस करना होता है, इसलिए ये ज़्यादा रिस्की है। अब बारी आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ आईएचआरएम के बारे में जानने की। इंटरनेशनल एचआरएम के ऑथर एंड प्रोफेसर बूस्टर एटल ने 2005 में बताया कि 21st सेंचुरी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा अपने देश की बाउंड्री से निकलकर इंटरनेशनली खुद को ऑपरेट करना, इंटरनेशनली खुद को मैनेज करना, और ये 21st सेंचुरी की नीड होगी, उस वक्त की ज़रूरत होगी, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अब लगभग हर देश, सभी देश एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति को फॉलो कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड अब एक मार्केट बन चुका है। देश एक दूसरे से बेनिफिट लेने के लिए, इकोनॉमीज को सुदृढ़ बनाने के लिए उदारवादी हो रहे हैं, अपने नियमों, कानूनों को सरल बना रहे हैं, जिससे दूसरे देश की कंपनीज आकर वहाँ पर बिजनेस कर पाएँ। टेक्नोलॉजी भी जो है वो मार्केट को ग्लोबलाइज करने में काफ़ी मदद कर रही है। पूरा विश्व ही एक मार्केट है, इसलिए कंपनीज अब किसी एक देश में खुद को स्थापित या ग्रो करने का उद्देश्य नहीं रखती, जबकि वो पूरे विश्व में अपने एक्सपेंशन की, अपनी ग्रोथ की संभावनाओं को ढूंढती हैं। खुद अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में न जाने कितनी एमएनसीज ऑपरेट हो रही हैं। इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर फॉरेन कंपनीज, जैसे कि नेस्ले जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये यूएसए की कंपनी है, कोका कोला, पैप्सिको ये भी यूएस की कंपनीज हैं, सोनी जापान की कंपनी है, एचपी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ये सारी यूएस बेस्ड हैं, आईबीएम न्यूयॉर्क बेस्ड है, सिटी ग्रुप अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इसी तरीके से भारत की भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि इंडिया से बाहर निकलकर अब कई देशों में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं, जैसे कि जो आर्सेलर मित्तल है, आर्सेलर मित्तल हो गया, भारती एयरटेल और ताज होटल रिसॉर्ट्स एंड पैलेसेस जो कि अपने, जिनके काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इनकी सब्सिडरीज हैं, टीसीएस जिसकी एटलीस्ट 46 देशों में सब्सिडरी है, एशियन पेंट, जोमैटो काफ़ी ट्रेंड में है, जोमैटो इसकी भी 23 कंट्रीज़ में ये ऑपरेट हो रही है, लैक में कॉस्मेटिक्स जो इंडिया का काफ़ी पॉपुलर कॉस्मेटिक ब्रांड है, इसकी 70 कंट्रीज़ में ये बिजनेस ऑपरेट कर रही है, इंफोसिस भी इंडिया की एक एमएनसी है जिसके कई सारे ऑफिसेज कई कंट्रीज़ में चल रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपनीज को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज़ करना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज कंपनीज अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाएंगी। इसके इम्पोर्टेंस को हम देखते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल बेहद इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन आईएचआरएम की प्रोसेस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं वो अदर ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पा रहे हैं। तो जो आईएचआरएम के इफेक्टिवली यूज के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन एक देश से दूसरे देश में अपने ऑपरेशन को काफ़ी इजीली मैनेज करने में तैयार हो पाते हैं, काफ़ी इजीली अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, क्योंकि आईएचआरएम के यूज़ के थ्रू वहाँ के एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मैनेज कर लिया जाता है और एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने की वजह से उस देश में, उस सब्सिडरीज में कंपनी का जो ऑपरेशन होता है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो अपने देश से बाहर निकलकर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज के बीच में ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग है। आईएचआरएम के थ्रू इन्हीं चैलेंजेस को डील किया जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली इफेक्टिवली ऑपरेट कर पाते हैं। तो गाइज, आई होप मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।